ये देखिए थे आज जो हम बात कर रहे थे, एक से बढ़ के एक चीज हमारे सेट पे आई है, चाहे आयजा के ए और ए स्टार्स हो या फिर इतने सारे गोल्ड मेडल्स और सिल्वर मेडल्स, इतने सारे मेडल्स जो कि हमने कभी ख्वाब में ही देखे थे, बस है ना, मिक्स मेडल्स जो कि हमने कभी ख्वाब में ही देखे थे। जी हाँ बिल्कुल, और ये मेडल्स हैं हमारे बहुत ही होनहार पाकिस्तान के बॉक्सर मोहम्मद शुएब के, जो इस वक्त राइजिंग पाकिस्तान में हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग शुएब। वालेकुम सलाम। और शुएब के साथ है जनाब अली रजा, जो कि एक फिटनेस कोच और ट्रेनर है, और ये उस्मान वजीर जो कि हमारे बॉक्सिंग के स्टार हैं उनके भी ट्रेनर हैं, शुएब के भी ट्रेनर हैं, और ये मतलब ये वो हैं, इन सब बॉक्सर स्टार्स की जिंदगी में ये वो शख्सियत हैं जिनसे कोई भी खुश नहीं होता, है ना शुएब? ऐसे ही शुएब, बहुत हमें आप पे फख्र है। और ये सारे यही मेडल्स हैं या कोई घर भी छोड़ के आया? घर भी छोड़ के आया हूं सर। घर भी आते, सब ले आते, वैसे हम इससे ज्यादा एक साथ देख लेते मेडल। असल में मॉर्निंग टेन था, वक्त वक्त सुबह की, तो मैंने कहा घर में किसी को डिस्टर्ब ना करे, बस अपने मेडल चुपके से लेके जाएं, क्योंकि इसका जो शोर है वो इस तरह है कि सबको जगाता है। इसका शोर सबको जगाता है, और माशाल्लाह इतने सारे हैं कि एक कमरे में तो पूरे आ नहीं सकते, है ना, मुख्तलिफ कमरों में बांट के रखे हैं। बिल्कुल सर, इसी तरह। अच्छा शुएब, हमें जरा अपने बारे में थोड़ा सा बताओ, आपका ताल्लुक क्वेटा से है और अब आप इस्लामाबाद में रह रहे हैं और ट्रेनिंग कर रहे हैं, तो बताओ बॉक्सिंग का शौक कैसे हुआ और क्वेटा वालों को बॉक्सिंग का इतना शौक कैसे हो जाता है? पहले तो मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, पीटी होम का, रेसिंग पाकिस्तान का, जिन्होंने हम लोगों को यहाँ पे बैठने का मौका दिया। जैसा कि आपको पता है, बॉक्सिंग का जो करियर का आगाज़ है वो मैंने क्वेटा से स्टार्ट किया। क्वेटा में जो काफ़ी दोस्त हमारे साथ मतलब घूमते रहते थे, हम लोग क्रिकेट भी खेलते थे उसी वक्त, फुटबॉल भी खेलते थे। अच्छा। तो सेकंड टाइम हमारे जो मतलब ख़ास क्लोज दोस्त थे वो गायब हो जाते थे मुझसे, तो मैंने एक दिन इनसे पूछा कि आप लोग कहाँ जाते हो, इन्होंने कहा बॉक्सिंग, मैंने कहा बॉक्सिंग ये तो हमारा क्वेटा का एक कल्चर है। हाँ। हर चौक में, हर बाजार में, हर जगह में मतलब बॉक्सिंग शुरू ही शुरू होता है। यहाँ पे जो मतलब कुछ मौसम जो है नमी की वजह से, मतलब टैक्सी ड्राइवर के साथ या किसी के साथ अगर आप किराए की वजह से लांझा करें तो वो लोग आपके साथ मतलब पढ़ा नहीं करते, मतलब बात पे बात ख़त्म करते हैं। क्वेटा में जो सारे मतलब वहाँ पे पहाड़ी इलाके हैं, खुश्क इलाके हैं, वहाँ पे एक बात के बाद जो दूसरी बात जो पैंट आ जाते हैं, पंच तो पंच के तैयारी से बहुत जरूरी है। तो इसलिए वहाँ पे मतलब बॉक्सिंग जो है बहुत माशाल्लाह आगे है। अच्छा जी, गर्ल्स लेवल पे भी और बॉयज लेवल पे भी माशाल्लाह। तो फिर मैंने वहाँ पे दोस्तों के साथ सेल्फ डिफेंस के लिए असल में बॉक्सिंग सीखी जाती है ना, फिर वो स्पोर्ट बन जाती है। यस, फिर स्पोर्ट बन जाती है। यही शौक था बस, सेल्फ डिफेंस के लिए, वैसे ही शौक था। अच्छा, नहीं वैसे ही शौक था, पाकिस्तान के लिए मैं चाहता था कि मैं पाकिस्तान के लिए मतलब मेडल लेके आऊं और ओलंपिक के लिए मतलब क्वालिफाई करूं पाकिस्तान के लिए, बस हर जगह में यही चाहता हूँ कि अपना पाकिस्तान का फ्लैग मैं दिखा सकूं। एग्जैक्टली, और ये जो इतने सारे मेडल्स हैं ये इस चीज का भी सबूत हैं कि डेफिनेटली आप पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाहते हो, और इसी के लिए आप सारी ट्रेनिंग की ट्रेनिंग भी लेते हैं। ट्रेनिंग की अगर बात करें तो आप इनके ट्रेनर हैं, फिट तो रखते हैं आप, साथ साथ दोस्ती है दोनों की क्या? जी मैम, असल में दोस्ती भी रखते हैं, और जब ट्रेनिंग का टाइम होता है बहुत सीरियस होते हैं, क्योंकि वो वतन अजीज की इज्जत का मामला होता है, तो हम प्रॉपर इनको ट्रेनिंग में 300 पुशअप पर डे करवाते हैं। अच्छा। और 5000 जो है वो पंचेस इन्हें पर डे लगाने होते हैं। 5000 पंचेस? जी। ये 5000 मुख्तलिफ लोगों को लगाए जाते हैं या कितने इंसान कितने खड़े होते हैं जिनको पंचेस लगते हैं? ये एक स्टूडेंट 5000 पंचेस लगाता है। नहीं, लगाता जिनको है वो कौन लोग होते हैं? उसमें ये होता है कि आप एक्सप्लेन करेंगे, पंचिंग बैग भी होती है उसमें, हम लोग पेड वर्क भी करते हैं, उसके लिए मतलब हमारे कंडीशन स्पेयरिंग होती है जिसके लिए मतलब आप फाइट के लिए तैयारी करते हैं। ओके जी, पंचिंग बैग होता है जी। तो ये हम वजाहत करते चाहिए, मजाक में बात कर रहे हैं, वो इंसानों को पंचेस नहीं लगाते। अली रजा ने कहा 5000 पंचेस लगाते हैं, तो आप कहीं डर ना जाए कि लोगों को पंचिंग बैग होता है जिसके ऊपर प्रैक्टिस की जाती है। 300 पुशअप सबीन, ये बहुत ज्यादा है, काम नहीं है। और 5000 पंचेस आसान काम नहीं है, ये ठीक लोग नहीं है ना सर? असल में कुछ है, हम लोग कुछ की इज्जत करते हैं, और इसी वजह से अल्लाह पाक ने हम लोगों को इस मकान तक पहुंचाया है। बेशक। और कुछ का जो रूप होते हैं वो उस्ताद के उस दर्जे में होता है, तो हम लोग जो है कुछ मतलब एक नाम होता है कुछ का, उसके मतलब कई इकसाम होते हैं। कुछ अगर देखा जाए स्टूडेंट से मतलब बहुत जुल्म भी करते हैं। अच्छा। बहुत प्यार भी करते हैं। इसी तरह मतलब उसको हर जगह में मतलब उसके मूड के लेवल से मतलब चलता है, उसके मूड के मुताबिक चलता है कुछ, जब भी जिस तरह भी मतलब स्टूडेंट के मतलब जो परेशानी हो वो कोच के साथ ही शेयर कर सकते हैं। ठीक हो गया। सो अली, अगर हम बात करें, श्वेब तो अब वेल ट्रेन्ड हैं और एक्सपीरियंस्ड हैं, और माशाल्लाह से इतने सारे मेडल्स पाकिस्तान के लिए काम,
अभी आपके पास जो बिगिनर्स आते हैं, लेट्स सपोज कि वो अगर किसी भी स्पोर्ट्स में जाना, आप डेफिनेटली से बॉक्सर्स को तो नहीं ट्रेन कर रहे, आप बहुत सारे और लोगों को भी ट्रेन कर रहे हैं, सो उसमें आप बिगिनर्स को किस तरह की एक्सरसाइजेस करवाते हैं, किस तरह उनको मोटिवेट करते हैं, स्पेशली उनका स्टैमिना किस तरह से बिल्ड, क्योंकि अभी अगर वो तमाम नौजवान हमें देख रहे हैं या देख रही हैं कि वो जाना चाहते हैं किसी भी स्पोर्ट्स में, तो वो कैसे स्टार्ट करें? मैम असल में हमारे पास ना डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज बच्चे होते हैं, कुछ की हाइट भी इतना नहीं होता, कुछ एज वाइज होते हैं, मगर ये है कि वो इतने सेहतमंद नहीं होते, और आजकल जो बच्चे हैं वो मेंटली डिप्रेशन में मैम बहुत है, उनको समझने की बहुत ज़रूरत है, उनको प्यार चाहिए जो वालदैन ही कर सकते अपने बच्चों को, और अगर कोई भी स्टूडेंट आता है तो मैं जो न्यू आता है तो मैं उन्हें कहता हूँ कि आप अगर पुशअप लगा रहे हो तो अपने पापा के फेस को सामने रखें, वो आपके हीरो हैं जिन्होंने आपको छोटे से बड़ा किया। कितनी जबरदस्त बात। तो वो फिर जब वो थकने लगते हैं तो फिर वो उनको बता दो कि पापा के लिए 5 पुशअप और लगा लो, तो वो इसी तरह करते करते 50 पुशअप एक 12 साल का बच्चा भी लगाता है मेरे पास आके अल्हम्दुलिल्लाह। और डिफरेंट डिफरेंट ट्रेनिंग होती है, जंपिंग जैक्स, हाई नीज, फिर उसके मुताबिक जो हेल्दी बच्चे हैं उनका फैट लॉस प्रोग्राम ही होता है, जो स्मार्ट होते हैं जिनको एक एम हासिल करना होता है, जैसे कुछ बच्चे हैं जो आगे जाकर जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है लाइफ में आगे उनके गोल्स होते हैं, उनके मुताबिक ही उनको ट्रेनिंग करवाई जाती है ताकि उनकी पर्सनैलिटी ग्रो अप हो। अच्छा शुएब, ये बताएं कि आप माशाल्लाह पिछले कुछ अरसे से, हम खैर हुसैन शाह की अगर बात करें तो बहुत ही अरसे से पाकिस्तान में बॉक्सिंग का सीन ऑन है, और अब पिछले कुछ अरसे में तो अभी हम देखें जी कॉमनवेल्थ में हमने यू नो बहुत अच्छा परफॉर्म, सब इंटरनेशनल चैम्पियनशिप्स में हम अच्छा परफॉर्म करें, एक दो तीन आप हमें ख्वाहिशात बताएं, चाहे पाकिस्तान बॉक्सिंग फेडरेशन से आपकी वो कोई रिक्वेस्ट हो या जनरली पाकिस्तानी मीडिया से, जनरल सोसाइटी से, इस वक्त पाकिस्तान में बॉक्सिंग को मज़ीद एक और ऊपर लेवल पे ले जाने के लिए दो तीन किन चीज़ों की ज़रूरत है? सर अवल तो इसकी ज़रूरत है, हम लोग जब भी आप नेशनल खेलते हैं, नेशनल में हम लोग गोल्ड हो जाते हैं, तो हम लोगों को जो कैंप है, ट्रेनिंग कैंप जिसे कहते हैं, वो यहाँ पर पाकिस्तान में ही लगाए जाते हैं, इस्लामाबाद में हो या कराची में हो या लाहौर में हो, जिससे मतलब हम लोग ट्रेनिंग जो करते हैं, हमारे जो ट्रेनिंग पार्टनर होते हैं वो वहाँ पे हम लोगों के साथ नेशनल में लूज़र होते हैं, हम लोग जब उसके साथ ट्रेनिंग करते हैं जो लूज़र है वो हमारे साथ फिट होते हैं, मतलब हम लोग उसी हाल पे होते हैं, वो भी उस बशर्ते है सर कि हम लोग ट्रेनिंग हम लोग ज़्यादा अगर करें तब हम लोग उसी हाल पे होते हैं, हम लोग पाकिस्तान के नेशनल चैंपियन बने, हम लोग इंटरनेशनल के चैंपियन अब तक नहीं बने क्योंकि हमारे जो कैंप है वो पाकिस्तान में चल रहे हैं। अच्छा, एक तो सर ये चाहिए बाहर के कैंप्स में जाना, बाहर के कैंप में हम लोगों को जाना चाहिए सर, कजाकिस्तान हो गया सर, इसके अलावा मतलब रशिया होगा, क्यूबा हो गया, इन बॉक्सर के साथ हमारे ट्रेनिंग करनी चाहिए, हम लोग अगर अच्छे बॉक्सर के साथ खेलेंगे तब इंशाल्लाह हम लोग अच्छे बनेंगे। बड़ा जबरदस्त पॉइंट है, बिल्कुल ठीक है सर, बिल्कुल ठीक। और इसके अलावा सर हमारे जो बॉक्सिंग आजकल जो चल रही है सर 2022 है, हमारे जो मतलब बाकी जो कंट्रीज है सर, हम लोग जब वहाँ पे जाते हैं वो लोग हमारे साथ जो बॉक्सिंग करते हैं, यकीन करो फाइट के दौरान हम लोगों को फाइट सिखाते हैं सर, फाइट स्टाइल हमको सिखाते हैं, मतलब वो लोग हमारे साथ इस तरह पॉइंट लेते हैं सर, जैसे कोई कंप्यूटर का गेम चल रहा हो, हम लोग उसको मारने की कोशिश करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग एक मुसलमानी जज्बे के लिहाज से अगर देखा जाए सर, हमें जज्बा भी है, हम लोग अटैक भी पहले उसे करते हैं, मगर वो अटैक डिफेंस करके वापस हम लोग ऊपर अटैक करते हैं, पॉइंट भी वो लोग लेते हैं, हालांकि मतलब ऊपर भी हम लोग उसके ऊपर चढ़ते हैं कि मतलब हम लोग ये कोशिश करते हैं कि इनको नॉकआउट करें, फिर भी मतलब फाइट वो लोग जीत जाते हैं, उनका जो माइंड सेटअप है सर उन लोगों को वो तैयार किया होता है। और इसके अलावा सर हमारे मतलब यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है, मतलब इसके अलावा मतलब जो कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो भी कंपनी है सर, यहाँ पे प्लेयर्स को मतलब सपोर्ट किया जाए, स्पॉन्सर उस तरह से नहीं जैसे आप कह रहे हैं क्यूबा या कजाकिस्तान जाएं या दूसरे ममालिक में जाके ट्रेनिंग कैंप्स हो, तो इसके लिए पैसा चाहिए, पैसा चाहिए सर। तो आप प्राइवेट कंपनीज को, कॉर्पोरेट्स को आप कहेंगे कि वो स्पॉन्सर करें प्लेयर्स को और उनको बाहर भेजें ट्रेनिंग के लिए? सर 35 से 36 गेंद है मेरे ख्याल से टोटल सर, 35-36 गेंद में सर, मतलब बाकी हर प्लेयर्स का यही गिला होगा शायद, सिर्फ मेरा नहीं, जब मैं बॉक्सर हूँ मतलब सिर्फ मेरा नहीं, कराटो का भी मतलब इसी तरह टेक्वांडो का, इसी तरह मतलब बास्केटबॉल के सारे गेम्स का ये गिला होगा कि सिर्फ क्रिकेट को सपोर्ट किया जा रहे हैं, हाँ बाकी स्पोर्ट्स को भी सपोर्ट किया जाए इसी तरह। exactly, अब जेवलिन और रेसलिंग, अब हम कितने जबरदस्त मेडल्स लेके आए हैं, तो अब पाकिस्तानी आम मैं देखता हूँ यंगस्टर्स को भी, सभी सोशल मीडिया पे पता लग रहा है कि यस अब हमारे और भी स्टार्स आप जैसे हैं। कुछ तस्वीर हैं जी शुएब की इन एक्शन, ओए होए ये जरा बताए ना जी ये क्या हो रहा है? ये नेशनल गेम में सर पाकिस्तान एयरफोर्स के साथ मेरा फाइट हुआ था जो मैं जीत गया था अल्हम्दुलिल्लाह उसमें। ओके यार ये रेड बड़ा जबरदस्त, मुझे लगता है 2016 में सर मैं गोल्ड हुआ था इधर इस्लामाबाद में स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में। ओके सर ये गोल्ड शायद मैंने लाया भी होगा, ये सर 2018 में हुआ था आमिर खान एकेडमी में अल पाकिस्तान टूर्नामेंट जिसमें मैं गोल्ड हुआ था। जबरदस्त,
वेरी गुड। अच्छा कि बहुत बड़ी इंजरी हुई कभी शुएब आपको? यस सर, ये हमको पे और ये दांत भी मैंने सर कवर लगाए, इसके अलावा सर ये है इसके ऊपर, और घर में सर वालदा और वालदेन मतलब ये सब ये कोशिश करते हैं कि शुएब आप बॉक्सिंग ना खेलो। ये अच्छा कहते ना खेलो बॉक्सिंग। सर पहले आपके जो प्रोग्राम चले थे उसमें आपने बहुत एक अच्छी पॉइंट की बात की कि हम लोग बस सब ये कहते हैं कि पढ़ो पढ़ो पढ़ो, हम लोग उस बंदे के टैलेंट को नहीं देते कि ये किस चीज़ में काबिल हैं। बाहर में अगर देखा जाए तो वो लोग मतलब उस बंदे को टैलेंट को देखते हैं कि ये किस चीज़ में काबिल हैं, उसी में उसको मतलब सपोर्ट करते हैं। बिल्कुल, आमिर खान के साथ आपकी? यस सर, ये आमिर खान हमारे पास आया था यहाँ पे सर 2017 में, इन्होंने हम लोगों को ट्रेनिंग दिया था। अच्छा। जी बाकायदा हमारा ट्रेनिंग कैंप हुआ था इसमें। एग्जैक्टली। और आमिर खान के साथ सख्त ट्रेनिंग है, मतलब ट्रेनर थे आमिर या बड़े प्यार से उन्होंने? सर प्यार से इन्होंने समझाया। जी हाँ जी हाँ, इनके साथ सर हम लोगों को किसी टेक्निक की जरूरत होती है, बाकी जो सख्त ट्रेनिंग के देखा अगर देखा जाए सर हम लोग जिस दिन हमारे कैंप होते हैं अभी 28 सितंबर को मेरा फाइट हो रहा है थाईलैंड के साथ, अगेंस्ट थाईलैंड के साथ मेरा फाइट हो रहा है और थाईलैंड में ही होगा इंशाल्लाह उनके होम ग्राउंड में। जी हाँ। और वो क्या फाइट, किस कौन सी वाली फाइट है सर? प्रोफेशनल रैंकिंग की फाइट हो रही है इंशाल्लाह, वर्ल्ड रैंकिंग की, जिसमें मैं और उस्मान वजीर इंशाल्लाह पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। अरे वाह जबरदस्त। अभी इनका जो है निक नेम वो भी कूलेस्ट बॉय के नाम पे रखा हुआ है। कूलेस्ट बॉय? ओए सर, अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ा खासियत मुझ में रखा है सर, मैं फाइट में गुस्सा नहीं होता हूँ, वैसे ये फाइट जो ये गुस्से की गेम है मगर मैं फाइट में बिल्कुल एंजॉय से मतलब और जीत जाते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये तो वाकई ये काबिलियत है। अच्छा यहीं पर थोड़ी सी मैं बात करना चाहूंगी ख्वातीन के हवाले से भी, क्योंकि कोयटा की बात आती है जहाँ पर आप आगे आए हैं वहीं पर ख्वातीन भी बॉक्सिंग का बहुत शौक रखती हैं, सो क्या स्कोप है, क्या ट्रेनिंग वगैरह भी लेने आती हैं और आपके साथ फीमेल की उनकी भी कोचिंग होती है क्या? जी जी बिल्कुल, मैं खुद इस्लामाबाद बॉक्सिंग एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी भी हूँ और साथ में यहाँ पे इस्लामाबाद में कई क्लबों में मैं ट्रेनर भी हूँ, एज ए ट्रेनर मेरा अपने स्टूडेंट है यहाँ पे, मेरा शौक है मतलब स्टूडेंट को मैं अपना पार्टनर बनाना चाहता हूँ। ये मैं जब सुबह मॉर्निंग टाइम ट्रेनिंग करता हूँ तकरीबन एक घंटा डेढ़ घंटा मैं रनिंग करता हूँ सिर्फ, जिसमें मतलब 18 से 20 किलोमीटर रनिंग बनता है ये रोज़ाना रोज़ाना। और मैं अपने स्टूडेंट को ये कहता हूँ कि आप लोग मुझे फॉलो करो, ये एक यूट्यूब चैनल है, मैं आप लोगों के सामने एक यूट्यूब चैनल हूँ और मैं आप लोगों के सामने एक मिसाल हूँ, अगर आप लोग मुझ जितना रनिंग करोगे मुझ जितना ट्रेनिंग आप लोग करोगे तो इंशाल्लाह आप लोग कल शेप बनोगे, अगर आप लोग मुझसे कम करोगे तो आप लोग सिल्वर ब्रॉन्ज में ही रहोगे। Exactly. अगर गोल्ड की कोशिश करोगे। इनका कूलेस्ट नाम इसीलिए रखा गया क्योंकि ये जो है ना बहुत बेस्ट मूव करते हैं और गिलगित में अल्हम्दुलिल्लाह हमने फाइट विन किया और मर्दान मुझे इंटरनेशनल जो बॉक्सर्स आए थे बिल्कुल बिल्कुल, और उसमें हमारे 12 पीपल जो थे लोग थे जिन्होंने हमने बाहर से लोग आए थे जो हमारी टीम वजीर के साथ खेले थे और हमने सिर्फ एक हमारा आई थिंक जो सिकंदर बस वो बस लॉस हुआ, बाकी 11 मेडल जो थे जिनमें जो हमारे पास रह गए सॉरी 2 जो है वो हुआ था बराबर गया था फाइट, एक हम हारे थे, बाकी ओवरऑल जितने भी टाइटल थे वो अल्हम्दुलिल्लाह वो सारे के सारे हमारे पास थे, उस्मान साहब आसिफ हजारा साहब सर कूलेस्ट बॉय, तो अल्हम्दुलिल्लाह का शुक्र है। अच्छा यहाँ पे अब ये बताएं कि जी 28 सितंबर को अब आप कह रहे हैं यस सर थाईलैंड में ये फाइट है, यस सर आप और उस्मान वजीर हमारे जनाब बॉक्सिंग स्टार आप दोनों जा रहे हैं इंशाल्लाह पाकिस्तान के, तो हमारी राइजिंग पाकिस्तान में हमने सबीन याद रखना है कि हम फॉलो करेंगे इनकी फाइट्स को और आप सबको व्यूअर्स को बताएंगे, खैर सोशल मीडिया पे और खबरों में आपको पता लगेगा, लेकिन अब तो जरा अब शुएब से हमारी राइजिंग पाकिस्तान की दोस्ती होगी ना पीले सोफे की वजह से, अब हम इनके करियर को फॉलो करेंगे। अच्छा ये बताएं कि ये तो फिजिकल ट्रेनिंग तो आपने बता दी, 300 पुशअप्स, 15 से 18 किलोमीटर रनिंग और 5000 पंचेस, डाइट के बारे में बताएं क्या क्या चीज़ें ये बिल्कुल नहीं खा सकते? सर एक तो ये है कि अगर ये हम कहें कि सब कुछ ही खाएं, उससे सबसे पहले पहले हमने इनका माइंड, इनकी हम माइंड गेम, इनके माइंड को बहुत कूल रखना होता है, ये क्योंकि बहुत मेंटली प्रेशर में होते हैं, हारना कोई भी नहीं चाहता, अपने वालदेन से दुआ करवा के जैसे आते हैं तो इनकी जो एक ये नहीं होता कि बिल्कुल आप वो भी छोड़ दें वो भी छोड़ दें, अगर खुदा ना खासा क्योंकि हमारे ने इनका वज़न जो है ना वो बराबर करना होता है उसमें फिर उस टाइम के मुताबिक डाइट होता है। अच्छा। और जितनी ये हार्ड ट्रेनिंग होती है तो अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 दिनों में हमारा वज़न बराबर हो जाता है वो ईजीली, मगर उसमें है कुछ आपको पता है कि हम नीचे से ऊपर आए हैं तो हमारे इतने वो नहीं होते, हम जब भी लड़ते हैं तो वतन अज़ीज़ के लिए लड़ते हैं और कोई इतनी वो डाइट होती है बहुत अच्छी डाइट भी होती है नॉर्मल भी होती है, पर मैं इन्हें ये कहता हूँ क्या चीज़ें नहीं खानी, मतलब चिकन कढ़ाई तंदूरी नान निहारियाँ इस तरह की चीज़ें तो पराठे वगैरह सर बेकरी से सर और इस तरह की जलेबी मतलब और राइस जो मतलब चावल होते हैं सर इससे हम लोग परहेज करते हैं, उसके अलावा सर कुछ ज़्यादा मतलब मीठा हम लोग नहीं करते, ऑयल ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, मिर्ची ज़्यादा हम लोग इस्तेमाल नहीं करते सर, इस तरह की कई चीज़ें जो मतलब स्टेमिना के लिए भी नुकसान देते हैं और वेट के लिए से भी अगर देखा जाए तो मतलब हमारे लिए नुकसानदायक है, हमारा जो बॉक्सिंग फाइट होती है सर
फाइट से पहले हमारे एक बार वेट हो जाते हैं। अच्छा। हाँ, और हमारे वेट से हम बॉक्सर्स वेट से पहले सर बॉक्सिंग ग्लव्स के जो वेट है वो हो जाते हैं पहले, कि ग्लव्स दोनों एक वेट के या नहीं सर, दोनों ग्लव्स जो है 500 ग्राम या 1 kg होते हैं। उसके बाद फिर बॉक्सर्स के वेट होते हैं सर, फिर हम लोगों को रेस्ट दिया जाता है तकरीबन 18 घंटे या 17 घंटे 16 घंटे इसी तरह। वो फाइटिंग के मतलब जो वहाँ पे प्रोग्राम इन्होंने बनाए होते हैं उसके बाद तक ये लोग मतलब शेड्यूल बनाते हैं, तो फिर उसके बाद हमारे फाइटिंग स्टार्ट हो जाती है। और सर इनको डाइट से पहले ये रिक्वेस्ट की जाती है कि जो आप खा रहे हो उसको फुल चबा चबा कर खाएं। अच्छा। बच्चे इतना प्रेशराइज हो जाते हैं बट स्पीड से खाना खाते हैं और ट्रेनिंग पे चले जाते हैं। इनको प्यार से भी समझाते हैं, थोड़ा इमोशनली ब्लैकमेल भी करते हैं कि प्लीज़ जो भी खाएं उसको फुल चबा चबा कर खाएं और खाने आखिर पानी मत पिए इनकी काफ़ी। और फिर इनको टाइम होता है कि भाई आपने रात को सोना है, जल्दी सोना है ताकि सुबह आपका मसल रिकवर हो। आसान जिंदगी नहीं है। तो नहीं सर, बहुत मुश्किल है। लोग मेरे ख्याल से स्पोर्ट्स में पसीना बहाते हैं, हम लोग खून भी बहाते हैं सिर्फ इस पाकिस्तान के मोहब्बत के लिए। अरे वाह, कितनी अच्छी आपने बात की। और सबसे बेस्ट मोमेंट होता है जब ये जीत के आते हैं और गले लगते हैं, आई लव यू कोच बोलते हैं, दिल खुश होता है। ये जितनी अल्हम्दुलिल्लाह ये मेडल हैं, अल्हम्दुलिल्लाह यकीन कीजिएगा कि ये हमारा सरमाया है और हम अपने वतनी अजीज के लिए ज़ोर लगाएंगे और हमारा जितना हो सके, ये हमारे हीरोज़ हैं। तो अल्लाह ने चाहा तो आने वाले वक्तों में हम पाकिस्तान का नाम इंटरनेशनल सतह पर भी लेके जाएंगे, मगर वही बात है कि हमारे बच्चों को बस पाकिस्तानी सतह पर ही रखा जाता है और आगे प्लीज़ लाया जाए। कोचिंग की जो आपने शुएब बात की है ना कि इंटरनेशनल लेवल के ऊपर मुकाबलों में तो रसाई है, लेकिन कोचिंग के लेवल पे भी बैरुल अक्वामी फैसिलिटीज तक रसाई होनी जरूरी है, ताकि जिनसे आपने जाके बाद में जिस लेवल पे मुकाबला करना है तैयारी भी दूसरी लेवल पे लेवल पे करना होगा, है ना जी। किश्ती चलाना आप प्रैक्टिस दरिया में करें और एक्चुअल मुकाबले में आपको समंदर में छोड़ दिया जाए तो मुश्किल है। शुएब और अली बहुत बहुत शुक्रिया, ऑल द बेस्ट, बहुत सी दुआएं आप दोनों के लिए। शुक्रिया सर, थैंक यू सर। और सबसे अच्छी बात यह है कि पाकिस्तान के लिए सोच रखते हैं हमारे आज के नौजवान, और हमेशा राइजिंग पाकिस्तान में भी कहते हैं कि अपने गोल्स आप ज़रूर सेट करें, लेकिन उसके साथ साथ एक गोल आप ऐड कर दें कि हर गोल आपका पाकिस्तान के साथ भी अटैच है, उसको भी आपने आगे लेकर जाना है, तो फ़ायदा जो है वो दोनों तरफ होता जाता है। और येलो सोफ़ा इन्हीं तमाम सुपरस्टार्स के लिए है जो पाकिस्तान के लिए काम कर रहे हैं और उनको हम यहाँ पर बुलाते हैं। अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में कोई ऐसे सुपरस्टार्स हैं और कोई ऐसा टैलेंट है जिसको प्रमोट करना चाहते हैं राइजिंग पाकिस्तान में, तो आप हमें पिक्चर्स भी भेज सकते हैं और इसके अलावा आप हमें रिकमेंड भी कर सकते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कि हम उनको हमारे येलो सोफे पर बिठाएँ या फिर हम उनकी पिक्चर्स या उनकी स्टोरी राइजिंग पाकिस्तान में शामिल करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, जिंदगी ने दी इजाज़त, तो इंशाल्लाह कल आपकी खिदमत में राइजिंग पाकिस्तान में फिर हाजिरी होगी। रब रखा।